अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आप लोग को मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं 2 महीने से वीडियो नहीं बना रही थी, जब से अजमेर से आई थी तो वीडियो बना ही नहीं रही थी, क्योंकि फिर रमज़ान चालू हो गया, रमज़ान में मेरे से हुआ ही नहीं वीडियो बनाने, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। और अब 15 दिन से सोच रही हूँ आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। क्या मन नहीं करता, एक बार छोड़ दोगे ना वीडियो बनाना फिर दिन मन ही नहीं करता ब्लॉगिंग करने का। और अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं घर का काम करने के लिए काम वाले लगाई हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा था। बच्चे लोग भी स्कूल पढ़ाई ट्यूशन, अभी छुट्टी है तो भी से उन लोग कोचिंग जा रहे हैं, तो उन लोग डबल कोचिंग कर रहे हैं तो लेट से आते हैं, तो इसलिए बच्चे लोगों के पास भी टाइम नहीं था और मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं भी काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं लगाई हूँ काम वाली, तो अभी वही करेगी। और अभी मैं जब काम वाली आ चुकी है, काम कर रही है, मैं बिस्तर बिस्तर पूरा क्लीन कर लेती हूँ, ऊपर का जितना डस्टिंग वस्टिंग वाला काम है साफ़ सफाई वाला वो सब मैं ही करती हूँ। और आज जुमा है, आप लोगों को मेरे मेरे परिवार की तरफ से जुमा मुबारक। फिर जल्दी से डस्टिंग कर लेते हैं, फिर वो जल्दी से झाड़ू पोछा करेगी, फिर आज जुमा भी है तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तैमूर का चल रहा है टीवी ना, तैमूर कार्टून देख रहा है, सीफा आ चुकी है अपने कोचिंग से, नाश्ता कर रही है ना सीफा। और हम लोग का एसी बिगड़ चुका है इसलिए कूलर लगाए हैं। अभी कुछ दिखा दिया, एसी बिगड़ गया है ना तैमूर, गर्मी लग तैमूर को, गर्मी लग तैमूर का, देखो ये सुबह से लगा उठ के कैसे टीवी देखता है देखो। जहाँ दूसरा बोलेंगे तो रोना स्टार्ट कर देगा सिपाही। लगा दे दूसरा कार्टून, इसी में देखोगे। और सिपा खा रही है समोसा, क्या बुलाया थे ना सिपा, क्या खा रहे हो? सीखा खा रही समोसा और झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है ना सीखा। हम झाड़ू पोछा हो जाए फिर हम जाएंगे नहाने। मैं बनाई हूँ दाल चावल और भाजी बही बनाया है हम लोग, करमत्ता भाजी। और टाइमर चलो नहा लो चलो। और मुक्कू कोचिंग से आ चुकी है और थक जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है। अभी बज रहे हैं 12 और मैं काम वाली को थोड़ा लेट से बुलाती हूँ, क्योंकि सुबह बर्तन रहता ही नहीं, मैं क्लीन कर लेती हूँ बर्तन, जो नाश्ता का बर्तन रहता है उससे ही क्लीन करती है और झाड़ू पोछा करती है, और ये पूरा सोफ़ा हटा के अच्छे से क्लीन करती है, क्योंकि तैमूर बहुत सारा कचरा इधर उधर फैला देता है तो इसीलिए वो पूरा सोफ़ा वोफा हटा के क्लीन कर देती है सुबह टाइम, फिर शाम को सिर्फ झाड़ू करती है। और तैमूर को एक बार मैं बोल दी हूँ चलो नहाने तो अब उसको नहाना ही है। और हम लोग का एसी बिगड़ चुका है, अभी 1 साल ही हुआ है इसे लिए, और पहले वाला एसी बिगड़ा फिर इसको लिए तो ये भी बिगड़ चुका, और एक कूलर लेके आए हैं मेरे जी, और 1-2 दिन में बन जाएगा एसी, लेकिन काफ़ी गर्मी है बहुत ही ज़्यादा इसलिए कूलर लेके आए हैं। और तैमूर को नहाना है, इसे बहुत लग रहा है गर्मी। और ये मिट्टी का बोतल है, इसमें पानी भर के मैं रख देती हूँ तैमूर के लिए, जब ये रात को उठता है पानी पीने के लिए तो इसी में से निकाल के देती हूँ। और तैमूर और सिफा की बदमाशी चालू है, अब हम लोग सो रहे हैं बोरे हैं, और मेरे एजी भी आते ही होंगे आज, क्योंकि जुमा है तो लेट से नहाते हैं वो। और ये इसका क्लीनिंग चल रहा है, मैं और तैमूर जा रहे हैं नहाने। मेरा नमाज हो गया, जुमा पढ़ ली, मैं और सीखा पढ़े हैं, मुक्कू को तो लेट हो रहा था इसलिए मुक्कू नहीं पढ़ी, और मेरे बाल हैं गिले क्योंकि नहा के तुरंत नमाज पढ़ने बैठ गई थी। और मैं जा रही हूँ, मेरे जी आ चुके हैं, उनको खाना दूँगी, और खाना में आप लोग जानते हो मैं आज भाजी दाल चावल बनाई हूँ देती हूँ। और हम लोग खाना खा के आधा घंटा 1 घंटा आराम करके फिर जस्ट ऊपर आ जाते हैं
चार साढ़े चार तक हम लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि लोग अपना टाइम अच्छे से जानते हैं। जहाँ साढ़े चार चार होता है तो इतना चिल्लाने लग जाते हैं। और अब मुक्कू सिफा की अभी है छुट्टी, तो उन लोग भी आ जाते हैं ऊपर। और तैमूर की ऐसा बदमाशी चालू रहता है इसका, और बकरी लोग इसको कुछ भी नहीं करते, मारते वारते कुछ भी नहीं है, इसलिए इसकी बदमाशी चालू रहती है। और मेरे ए जी, मैं, तैमूर और सिफा, मुक्कू सब हम लोग ऊपर में हैं। और यहाँ भी कूलर लगा है बकरी लोगों के लिए, ये वाला कूलर बहुत ही ज़्यादा ठंडा करता है। और एक और है कूलर वहाँ, वो भी यानी उसको चालू नहीं किए हैं अभी। और ये है, इसका नाम सिल्ली है। हम लोग के यहाँ सब बकरियों का नाम रखे हैं। और ये जो वाइट और कत्थे में दिख रहा है, ये बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी इस यानी मोबाइल में अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। और जो वाइट वाला है वो पूरा एक कुंटल का है, और ये 80 किलो का है। ये अभी बकरीद में बिक जाएंगे। और ये वाइट वाला 2 साल का हो गया है, और ये कत्था वाला 1 साल का, ये 2 साल का है। और ये पूरा एक कुंटल है ये, और इसे हमको अच्छे से बांध के रखना पड़ता है। ये पूरा खुल जाता है, और खुलता है पूरे छत में दौड़ने लग जाता है, इसलिए इसके पेट में भी रस्सी बांधते हैं और गले में भी रस्सी बांधते मेरे जी। और छत छत इन्हीं लोगों का है, छत में हम लोग आते ही नहीं है ज़्यादा। और यहाँ एक रूम बना है, वहाँ रहते हैं। और ये लोग पूरा सींग से ऐसे पूरा दीवार को तोड़ चुके हैं। अब ये लोग बकरीद में बिक जाएंगे, तो फिर हम लोग इसको पूरा फ्लोरिंग कराएंगे। और इन लोगों को जंजीर रस्सी बहुत ही सारा बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोग तोड़ देते हैं रस्सी को। उतने अच्छे से आप लोगों को मोबाइल में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये लोग बहुत ही हैवी हैं। और ये लोग ये जो चना भूसी, मक्का, गेहूं, ये सब खाते हैं, और पत्ता खाते हैं। और ये है काला नमक, इन्हीं लोगों का है। और ये भी बकरा है ब्लैक, और ये बकरी है, ये भी बकरी है। और ये पलंग अभी जो शाम के समय हम लोग ऊपर में बैठते हैं तो इसे बिछा लेते हैं। और मैं इसे पूरा अपना जो गमला है उसको मैं पूरा जाली में पैक करके रखी हूँ, क्योंकि बकरी जहाँ रहेगी वहाँ झाड़ तो रहेगा ही नहीं। इसलिए ये मोगरा, गुलाब, मीठा लीम, एलोवेरा और सदा सुहागन, बहुत सारा पेड़ है, इसे मैं जाली में पूरा कवर करके रखी हूँ। क्योंकि इन लोगों के हमारे पहले दीवार में रखी थी, तो दीवार से गमला गिरा देते थे, और बहुत सारा गमला था, और बहुत सारा तोड़ चुके उन लोग। और तैमूर ऊपर से बकरी लोग का काम करके आके मैं जस्ट थोड़ी देर बैठी, आधा एक घंटा, फिर चाय वाय पी, फिर अब मैं बना लेती हूँ। जल्दी ही गर्मी है क्योंकि, इसलिए जल्दी खाना बना लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ आज ऐसी जो भी चीज़ मिला वैसी बना ली। अंडा उबाल दी हूँ, कुछ 4-5 आलू उबाली हूँ, और थोड़ा सा सूखा जो बड़ी रहता है वो ऐसे करके बना लूँगी। ज़्यादा मसाला भी नहीं, गर्मी है करके नहीं खा रहे हैं, ऐसी सूखा सूखा ऐसे ही डाल के बना दूँगी। और ऊपर से हम लोग 6 बजे बकरियों को दाना वाना दे के उतरते हैं, फिर उसके बाद मैं घर का जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो करती हूँ, फिर खाना जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी ठंडी रहता है तो लेट से बनाती हूँ। फिर थोड़ा सा अपनी अम्मी घर जाती हूँ, अम्मी का घर यहीं पास ही में है, तो फिर मैं बना लेती हूँ सब्जी। ऑयल चखा चुकी हूँ, और ये प्याज, ये 2 बड़े प्याज हैं। अंडा उबाल चुकी हूँ, और आलू उबालने के समय टूट गया, और ये रहा सूखा बड़ी, और इसी का मैं बनाऊंगी सब्जी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैं इसे पीस के स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज पे, तो जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। फिर छीलो, फिर मसाला रेडी करो। और मेरा कढ़ाई का एक हैंडल गायब हो चुका है, इसको लगवाना है। और चलो फिर बना लेती हूँ सब्जी। ये जो सूखा बड़ी है इसे मैं ऑयल में फ्राई कर ली हूँ, और अंडा को भी फ्राई कर ली हूँ, और प्याज डाल चुकी हूँ। इसी में फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और सब सूखा मसाला डाल के फिर इसे भूंज के फिर इसको सबको ऐड करना है। और ये आज मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये सब्जी बना रही हूँ।
फिर अगले टाइम मैं जब अच्छे से बनाऊंगी अंडा की सब्जी तब आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मेरा बन चुका चावल और पराठा, बच्चे लोग खाते हैं पराठा। और ये अंडा, आलू और बड़ी की सब्जी बहुत सिंपल तरीके से बना है। और मैं कोई गरम मसाला यूज नहीं करी हूँ, सब सिर्फ सूखा हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर यही सब डाली हूँ, टमाटर और कुछ भी गरम परम मसाला यूज नहीं करी हूँ। और मैं कभी कभी ऐसे भी बना लेती हूँ जैसे भी पाओ ऐसे बनाओ ऐसा वाला है ये। कभी कभी ऐसा बिना मसाला बनाओगे तो बहुत टेस्टी भी लगता है। और इसमें कुछ भी मसाला नहीं डाली हूँ मैं। और मसाला आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और टेस्टी भी बना था वैसे। और अगले बार जरूर अच्छे से बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आप। मेरा खाना बन चुका है, अभी बजे हैं 7 और मैं जा रही हूँ बर्तन की क्लीनिंग करूँगी। मैं 2 महीने से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो इसलिए आज करूँगी कल करूँगी ऐसे करके, बीच में मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था इसीलिए, फिर रमजान भी था, रमजान के बाद मेरा तबीयत बिगड़ गया था इसलिए ब्लॉगिंग करी ही नहीं। फिर मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब था फिर इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। अभी कंटिन्यू करूँगी और आप लोगों को बहुत सारा प्यार देना। और यही था मेरा आज का वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।